निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज यांच्या असीम कृपाआशीर्वादानं 29 ऑगस्ट 2021 रोजी रविवारी सकाळी 9 ते दुपारी 4 या वेळेत संत निरंकारी मिशन अंतर्गत संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन पुणे झोनच्या वतीनं गंगाधाम मार्केट यार्ड या ठिकाणी संत निरंकारी सत्संग भवनमध्ये पुणे सिटी इंदिरानगर जनता वसाहत आणि भोर ब्रांच यांच्या वतीनं विशाल रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या रक्तदान शिबिरामध्ये 343 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलं। ससून रुग्णालय रक्तपेढी यांनी 263 युनिट, संत निरंकारी रक्तपेढी विले पार्ले मुंबई यांनी 80 युनिट रक्तसंकलन करण्याचं कार्य केलं आहे। या भव्य रक्तदान शिबिराचं उद्घाटन सुनील कांबळे माजी आमदार त्याचबरोबर ताराचंद करमचंदानीजी झोनल इन्चार्ज पुणे झोन यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालं। या कार्यक्रमाला सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर मंडळी उपस्थित होते। आज संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशन रक्तदान करणाऱ्या संस्थांमध्ये संपूर्ण जगामध्ये अग्रेसर आहे, त्यामुळे जास्त रक्तसंकलनासाठी संत निरंकारी मंडळाची गिनीश बुकामध्ये नोंदही आहे। आजपर्यंत संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनतर्फे 11 लाखांहून अधिक युनिट रक्त मानव मात्रांच्या कल्याणासाठी संकलित करण्यात आलं आहे। कोरोना महामारीच्या काळात मागील वर्षी संत निरंकारी मिशनतर्फे 24 रक्तदान शिबिरांमधून सुमारे 2600हून अधिक युनिट रक्तसंकलन करण्यात आलं होतं। यावर्षी एप्रिल 2021 पासून पुणे जिल्ह्यामध्ये आजपर्यंत 9 रक्तदान शिबिरं संपन्न झाली असून 1223 युनिट रक्तसंकलन ससून रुग्णालय रक्तपेढी, YCM रुग्णालय रक्तपेढी, कमांड रुग्णालय रक्तपेढी आणि संत निरंकारी रक्तपेढी यांच्या माध्यमातून करण्यात आलं आहे। रक्तदान शिबिर यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी पोपट तावरे क्षेत्रीय संचालक, पांडुरंग दळवी सेवा दल संचालक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सेवा दल आणि संत निरंकारी चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकांनी योगदान दिले। सर्व रक्तदात्यांचे व आरोग्यांचे मनापासून हार्दिक अभिनंदन करते। त्याचबरोबर आपल्या संस्थेमार्फत महापूर असेल, कोरोना काळ असेल, अशा विविध माध्यमांमध्ये आपल्या सर्व स्वयंसेवकांनी पुढाकार घेऊन अतिशय मोलाचे योगदान दिले आहे। त्याबद्दल सर्व स्वयंसेवकांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करते। देशाच्या प्रति कोणतेही कार्य असेल त्याच्यामध्ये स्वच्छता अभियान असेल असे विविध उपक्रम या संस्थेमार्फत राबवले जातात। पुन्हा एकदा या संस्थेचे मनापासून आभार व्यक्त करते। या कार्यक्रमाला मला आमंत्रित केलं त्याबद्दल धन्यवाद। संत निरंकारी मिशन गेल्या अनेक वर्षापासून समाजाला जे आवश्यक आहे रक्तदान सारखा महान यज्ञाचं काम वर्षानुवर्ष धनलंकारी मिशनच्या वतीनं कोरोना महामारीच्या काळातही सुद्धा प्रचंड लोकांना रक्तांची आवश्यकता असतानाही धनलंकारी मिशनच्या वतीनं प्रचंड प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात समाजाला जे आवश्यकता आहे ते पुरवण्याचं काम रक्तदानाच्या माध्यमातून धनलंकारी मिशनने केलेलं आहे। त्याबद्दल मी मिशनचं मनापासून आभार मानतो आणि खऱ्या अर्थाने समाजाला जी लागणारी जी सेवा आपण देतात त्याबद्दल परमेश्वर चरणी मी प्रार्थना करतो की असंच पुढच्या काळात आपल्या अतिन मिशनच्या वतीने कार्य घडत राहू अशी ईश्वर चरणी पुन्हा एकदा प्रार्थना करतो। सत्संग जी प्यार से कहना धनंकार जी। सत्संग जी आज आप सभी देख रहे हैं गंगाधाम पे रक्तदान पुणे झोन में रक्तदान हो रहा है गंगाधाम और साथ में 3 ब्रांचेस जनता वसाहत और इंदिरा नगर और बोर ये चारों मिलाकर ये रक्तदान यहाँ पर हो रहा है। सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से ये सब योगदान संत महापुरुष दे रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है मगर सत्संग में जी रक्त का शॉर्टेज होने के कारण बार बार स्थलों का फोन आ रहा है, तो जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है सद्गुरु माता जी की आशीर्वाद लेकर ये कार्य सब संत महापुरुष एक बनकर कर रहे हैं और बहुत सुंदर रूप से ये कार्यक्रम चल रहा है। 2020 में भी 24 कैंप लगे थे जिसमें 2601 यूनिट रक्तदात्यों ने रक्तदान किया और वो हॉस्पिटलों को दिया गया। और 2021 में भी अप्रैल से लेकर आज तक आज 29 अगस्त तक सत्संग जी
ये आठवां कैंप है। सात कैंपों में लगभग 1000 यूनिट रक्तदान हो चुका है और ये आठवां कैंप आज चल रहा है। अनेकों जगहों पर, अनेकों ब्रांचों पर ये रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है। संत निरंकारी मिशन की ओर से, संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन में ये एक्टिविटीज हो रही है। और सत्संग जी, रक्तदान के साथ आप सभी को पता होगा कि सत्संग जी माड़ में, आपको सभी को जानते हैं, रायगढ़ में और चिपलूर में सत्संग जी बरसात के कारण अनेकों जगह पर नुकसान हुआ। वहां पर भी कपड़े बांटना, राशन बांटना और बर्तन बांटना, जो गरजमंद लोग थे उनको सहायता करना, यहाँ पूना से करीब करीब 18-19 टेम्पू भर भर के अनाज के भेजे गए, जो कि सभी की सहायता के हिसाब से ये कार्य कर रहे हैं। संत निरंकारी मिशन की ओर से ये कार्यक्रम हो रहा है और आपने देखा ये 18 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और सत्संग जी 18 महीने से ये लॉकडाउन में एक्टिविटीज, अनेकों जगहों पर एक्टिविटीज हो रही है। फिर वो राशन बांटना हो या कपड़े बांटना हो या मेडिसिन या मास्क की सेवाएं, अनेकों तरह से ये सेवाएं हो रही है। और दास के साथ भी सभी संयोजक महात्मा, मुखी महात्मा, सेवा दल के अधिकारी, क्षेत्रीय संचालक, संचालक सभी बढ़ चढ़ के हमारे सभी संत महापुरुष एकजुट होकर ये सेवाएं कर रहे हैं। सदगुरु महात्मा जी ने भी हमें कहा था कि जैसे हम सेवा करते हैं वैसे ही हमें ये निरंकार कृपा करता है। और हमारे हुजूर महाराज जी ने, बाबा जी ने भी हमें ये कहा था कि रक्त नाड़ियों में बहे ना कि नालियों में बहे। लगभग 1980 से ये रक्तदान यहाँ पर चल रहे, करीब करीब आज तक 11 लाख यूनिट अभी तक डोनेट किए गए संत निरंकारी मिशन की ओर से। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने लगभग आज तक 11 लाख रक्तदान यूनिट डोनेट किए गए और ये रक्त सिर्फ सरकारी अस्पतालों को ही दिया जा रहा है, जैसे कि सासुन हुआ, YCM हुआ और कमांडो हॉस्पिटल हुआ, उन्हीं को ही दिया जा रहा है जो रक्त मुफ्त देते हैं और उन्हीं को ही हॉस्पिटल में रक्त पहुंचाया जा रहा है। आज भी आप सभी को पता है कि रक्तदान सासुन की पेड़ी आई हुई है और अपनी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की सत्संग की रक्त पेड़ी विले पार्ले बॉम्बे से आई हुई है, तो दोनों मिला जुला के ये रक्तदात्यों का ये रक्त ले रहे और सुंदर रूप से ये कार्यक्रम चल रहा है। माताजी के लिए, सभी के लिए यही प्रार्थना, यही अरदास करें कि जो भी रक्तदाते हैं उनका थैंक यू, धन्यवाद। और माताजी सभी रक्तदात्यों को ऊपर कृपा करना, जो ये सुंदर उन्होंने योगदान दिया। सिर्फ मैसेज देखते हैं कि संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से रक्तदान होने जा रहा है, तो दौड़ दौड़ के यहाँ पर संत इकट्ठे होते हैं। संत निरंकारी मंडल की ओर से ये सुंदर कार्य चल रहा है ये पूना जोन में, तो सदगुरु माता जी से यही प्रार्थना, यही अरदास सभी के लिए। सात संगत जी प्यार से कहना धनकार जी। न्यूज रिपोर्टर रामकृष्ण भागवत, आज 24 तास, पुणे। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।